नमस्ते बच्चों, मैं हिंदी शॉर्ट हंडी स्टैंडो की गति 80 से बोलने जा रही हूँ। आप लोग लास्ट तक जरूर लिखें। स्टैंडो स्टार्ट। महोदय, इस समय भारतवर्ष के सामने बहुत प्रकार की जटिल समस्याएं हैं और यह ऐसा समय है जब सबसे यह उपेक्षा की जाती है कि आप सदा भारत की सुरक्षा और उसकी उन्नति के लिए कटिबद्ध होंगे। आपको मालूम ही है कि जब से यह प्रश्न हमारे सामने आया है कि भाषा के आधार पर देश के विभिन्न भागों का पुनर्गठन किया जाए, तब से देश में बहुत प्रकार के आंदोलन उठ खड़े हुए हैं। सरकार ने जनता की इच्छा और मांग को देखते हुए उसके लिए एक विशेष आयोग उन्नति नियुक्त किया गया है और यह आशा की जाती थी कि उसको जो कुछ भी सिफारिशें होंगी वे सबको मान्य होंगी और आपस के मतभेद के लिए कोई स्थान ना होगा। इस संबंध में सरकार ने जो भी निर्णय किए उनमें से अधिकांश निर्णय सर्वसम्मति से ही हुए हैं, परंतु दुख की बात है कि एक दो स्थानों पर मतभेदों ने एक ऐसा रूप ले लिया जो देश के लिए वांछनीय नहीं हो सकता। दुर्भाग्यवश आपका यह क्षेत्र भी उन क्षेत्रों में से एक है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आपने भारत सरकार के साथ सदा सहयोग करने और हर प्रकार से उसके निर्णय को मानकर देश के सुगठित प्रशासन में हाथ बटाने का विश्वास दिलाया है। जब किसी देश के सामने बड़े बड़े प्रश्न उपस्थित होते हैं तो उनमें से कुछ बातों पर मतभेद हो जाना स्वाभाविक ही है। इस युग में जब हम सब काम जनता की सम्मति से करना चाहते हैं और हमारी सरकार भी जनता की बनाई हुई है, तब यदि कहीं मतभेद हो जाए तो उसमें उतावलापन करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि विरोध प्रदर्शन करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है। परंतु एक चीज जो हम सबको भली भांति जान लेनी चाहिए और जिसके संबंध में किसी प्रकार के मतभेद की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, वह यह है कि चाहे हमारे मतभेद कितने ही अधिक क्यों ना हों, उनको सुलझाने का एक ही उपाय है और वह उपाय यह है कि इस संबंध में निर्णय आपस में बातचीत करके तथा एक दूसरे को समझा बुझा कर किए जाएं, डंडों और पत्थरों से नहीं। हमने अंग्रेजों के विरुद्ध भी जिन्होंने इस देश को 200 वर्षों तक अपने अधीन
रखा।